بسم الله الرحمن الرحيم. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher. My dear students, this is class number 10 and your subject is English. We are starting lesson number 10 and here I have paragraph number 1 and 2. There's written paragraph number 1, but paragraph number 1 should be given to you people for your revision, and so far as your paragraph number 2 is concerned, here we have paragraph number 2. This is what we have to study, and so far as this paragraph is concerned, absolute important and significant for the examination point of view. So far as one paragraph is concerned, you have to write it down and you have to read it out for your knowledge as well. Come to paragraph number 2, my dear students. I will clear you people your meanings, English into Urdu, and most probably English into English, and so far as grammar is concerned, so I will also tell you about parts of speech regarding your this paragraph. So let's start. Come to paragraph number 2. There is a frequently asked question: what would be the world like without books? अब सबसे पहले तो बेटा इसके मीनिंग्स पे आ जाएं. फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर. दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंटली, ऑफन. अगर आप इसके सिनोनिम में चले जाएं तो ऑफन कह देंगे आप. ओके, फ्रीक्वेंटली अक्सर, अमूमन कह दें आप. अमूमन व्हाट वुड बी द वर्ल्ड विदाउट बुक्स. विदाउट का मतलब बगैर, विदाउट का मतलब बगैर. अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी. दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यू नो, बुक्स के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ. व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी. द वेरी क्वेश्चन इज एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. द वेरी क्वेश्चन इज एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. एब्सर्ड का मतलब होता है बेमानी, फजूल, और मुजिका केस, ह्यूमिलेटिंग, और उसके बाद है बच्चों डिप्रेसिंग. और डिप्रेसिंग का मतलब है उदासी, इंतहाई अफसर्दगी, उदासी कह सकते हैं आप इसे. द वेरी क्वेश्चन इज एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. ये सवाल बहुत फजूल है और अफसुर्दा करने वाला है. ये सवाल बहुत फजूल है और अफसुर्दा करने वाला है. एंड दिस इज सो फार एज द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कंसर्न, सो दिस इज यूज ऑफ अ सिंपल इज. सिंपल इज है बेटा, एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. ओके, इट इज ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक. अब डिमाइज यहां पे है, डिमाइज इज अ वर्ब, और डिमाइज का मतलब है जवाल, यानी डिक्लाइन कह सकते हैं आप. डिमाइज, इट इज ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता रहा है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी. अब लेटेस्ट यहां पे आप जदीद तरीन कहेंगे, जदीद तरीन यानी अपडेटेड. अब इसको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में जाए तो आप अपडेटेड कह सकते हैं, जदीद तरीन. दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स, के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के जवाल का इशारा देती है, या आप कह सकते हैं किताब के जवाल की अलामत है. सिग्नल्स अलामत है, इशारा देती है. ओके, और डिमाइज मैंने आपको पहले बताया कि डिमाइज क्या है. डिमाइज मीन जवाल या डिक्लाइन. It is always said that the latest technology signals the demise of the book. ये अक्सर, ये हमेशा कहा जाता रहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के जवाल की अलामत है, या किताब के जवाल का इशारा देती है.
Decades ago, it was thought that the radio would replace books. It was thought. ये है जी past indefinite और past indefinite का बेटा ये बन जाएगा passive. Decades ago. Decade, you know, आप एक अशरे को कहते हैं और यहां पर decades आ गया है तो अशरों कहते हैं. अशरों पहले it was thought, ये ख्याल किया जाता था, ये समझा जाता था, ये ख्याल किया जाता था, ये समझा जाता था. माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि आप अपने पास रजिस्टर रखें और व्हाट एवर आई एम सेइंग उसको बेटा आप लिखते जाएं साथ साथ. डेकेड्स अगो, अशरों पहले इट वाज थॉट, ये समझा जाता था, दैट द रेडियो वाज रिप्लेस बुक्स, दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स. अब रिप्लेस का मतलब होता है जगह लेना, जगह लेना. ओके, कि रेडियो जो है ये किताबों की जगह ले लेगा. वुड आया हुआ ना, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा. दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, के रेडियो किताबों की जगह ले लेगा. द फियर हैज परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट. अब फियर का खदशा कह सकते हैं या खतरा कह सकते हैं. फियर और persisted का मतलब आप कह देंगे कायम रहा, persisted कायम रहा, persisted जारी रहा, कायम रहा, persisted. With the invention का मतलब इजाद. With the invention, अगर आप हम इसको सारा बोलेंगे with the invention, तो आप यूं कह सकते हैं इजाद के साथ साथ. The fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. ये खदशा, ये खतरा टेलीविजन और इंटरनेट की इजाद के साथ भी जारी रहा, या आप यूं कह सकते हैं कि साथ भी कायम रहा. ओके, बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक निगेट इंटरनेट. अब निगेट यहां पर इसका मतलब है ये, दिस इज अ वर्ब, तो इसका मतलब है नफी करती है, नफी करती है, निगेट. और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मुस्तरद करती है या मनसूख करती है, नफी करती है. बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन, मगर कैंटोनीज, मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड है ये दिस इज फॉर द चीनी, कैंटोनीज मैन, चीनी बशिंदा आप कह सकते हैं, चीनी बशिंदा, कैंटोनीज मैन, आप इसको चीनी बशिंदा कह दें. और तर्जमा इसका आप यूं करेंगे, मगर चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजर. बट द सीन्स लाइक, लाइक मीन जैसे, बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन, मगर चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजर. निगेट द नोशन, इस ख्याल की नफी करते हैं. नोशन का मतलब होता है ख्याल, मीन आइडिया, थॉट, तसव्वुर, तसव्वुर. ओके, ख्याल, तसव्वुर, आइडिया. मगर चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजर इस ख्याल की नफी करते हैं. ओके, that modern advances pose a threat to reading, ke jadid daur ki tarakkiyon se mutalaya ko khatra lahiq hai, ke jadid daur ki tarakki se, that the modern advances jadid tarakkiyon se pose a threat to reading, ke modern या जदीद दौर की तरक्कियों से मुतालिया को खतरा लाहक है. पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, रीडिंग दिस इज व्हाट, मुतालिया, मुतालिया को खतरा लाहक. पोज अ थ्रेट, खतरा लाहक है टू रीडिंग. दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, के जदीद दौर की तरक्कियों से मुतालिया को खतरा लाहक है.
Books are themselves a form of technology. किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है. फॉर्म, फॉर्म का मतलब शक्ल, और टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी ही कहेंगे, फॉर्म टेक्नोलॉजी. किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है. दैट इज स्प्रेड ओवर, दैट इज स्प्रेड ओवर. स्प्रेड ओवर का मतलब फैली हुई है. दैट इज स्प्रेड ओवर, मुहित है. दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो सफात पर मुहित है. That is spread over the pages, जो सफात पर फैली हुई हैं, and makes us delve into the complexities of life. Complexities का मतलब होता है उलझने. Complexities आप इसको उलझने कह सकते हैं, और आप complexities को आप पेचीदगियां कह सकते हैं, पेचीदगियां. और delve का मतलब होता है बेटा, डेल्व का मतलब होता है खोदना, निकालना. दिस इज द वर्ब, और तलाश कर, खोदना कह सकते हैं, निकालना कह सकते हैं, तलाश करना कह सकते हैं. ओके, दैट मेक्स अस डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और हमें जिंदगी की उलझनों में गौतजन करती हैं, या अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, और हमें जिंदगी की पेचीदगियों की छानबीन करने पर तैयार करती है. ओके, ये वाला ज्यादा बेहतर है, ये कर लीजिए. एंड मेक्स अस डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और हमें जिंदगी की पेचीदगियों की छानबीन करने पर तैयार करती है. दैट वॉज ऑल फ्रॉम योर पैराग्राफ नंबर 2, एंड सो फार एज paragraph number 1 is concerned, I have given you the assignment. You have to write it down and you have to learn the meanings. और इसमें बेटा आपको इसके साथ साथ addition करता जा रहा हूँ कि आपने इस paragraph में से you have to find out 5 verbs and you have to find out 5 adjectives as well. Verb and adjective. Okay? I hope so. You will understand. और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. इसके बावजूद इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट अस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रादर यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और हम हाजिर हैं हर वक्त आपको गाइड करने के लिए. तो बेटा इसको आपने लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है, और आई होप सो आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आपका, सबसे पहले तो आपका थैंक यू. And till next video, God bless you. Allah.